बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिविल 3D की ड्राइंग्स, ये आप देख रहे हैं कि प्लान प्रोफाइल्स इसके बने हुए हैं, इसको आपने कैसे ऑटो कैड के अंदर सिंपल ओपन कर सकते हैं, इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। आप जब इस ड्राइंग को ओपन करते हैं ऑटो कैड के ऊपर, इधर से डबल क्लिक करके, तो आप देखेंगे आपके पास ड्राइंग उसके फीचर्स नहीं आते, उसकी चीज़ें नहीं आती हैं, और कोई चीज़ भी आपके सामने उसके नहीं आते। तो उसको आपने कैसे इन्वर्ट एक्सपोर्ट करना है और कैसे उसको आपने सेव करना है, कि अगर आपके पास ऑटो कैड के अंदर आप किसी को भी वो फाइल भेजना चाहते हैं तो वो फाइल आपकी सबको उधर वो पहुँचे और उसी तरीके से मिले, तो अगर उसके पास ऑटो कैड वगैरह इंस्टॉल नहीं है तो वो उसको कैसे इधर से आप इसको ओपन करेंगे और उसको भेजेंगे। तो उसके लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो मैं बना रहा, आप ये देख रहे हैं कि सिविल 3D की ड्राइंग है, जिसके अंदर कोई चीज इधर से मैं ओपन करता हूँ ऑटो कैड के ऊपर, तो वो फाइल मेरे पास से इधर ओपन नहीं हो रही। क्रॉस सेक्शन इसके अंदर बने हुए हैं, ये प्लान है इसका, ये प्रोफाइल्स वगैरह है, और ये समरी वगैरह भी इधर बनी हुई है सारी, और इसके पॉइंट्स तक इधर क्लियर नहीं हो रहे। तो अगर आपने ऑटो कैड के अंदर इसको ओपन करना है सिविल 3D की ड्राइंग को, तो आप ही इसको कैसे कर सकते हैं, सो आपने कैसे कन्वर्ट करना है, तो बहुत यूज़फुल वीडियो। मेरी वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इसके लिए आपने इधर से सबसे पहले सिविल 3D के अंदर अपनी ड्राइंग को आपने ओपन कर लेना है, और उधर से आपने आउटपुट वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। आउटपुट वाले ऑप्शन के ऊपर आप आएंगे तो उधर से देखेंगे एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इधर से उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा ऑटो कैड सिविल 3D ड्राइंग्स का, जिसके अंदर एक्सपोर्ट सेटिंग है। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास डेस्टिनेशन टेबल हमारे पास ऊपर आ रहा है, कि ये इसका जिधर हमारे पास फाइल पड़ी हुई है उसकी डिटेल इधर आ रही है सारी। इसके बाद आपके पास नीचे इसका फाइल का नाम आ रहा है और नीचे इसकी सरफेस एक्स आ रहा है। तो इधर से आपने इसको इधर से ओपन करना है, और इधर से इसका जो भी जिधर आप सेव करना चाहते हैं आपने उसको इधर से सेटिंग कर लेनी डेस्कटॉप के ऊपर। इधर से आपने न्यू फोल्डर के ऊपर आ जाना है, इसका नाम मैं इधर से दे देता हूँ सिविल 3D प्रोजेक्ट का, आपने इसी तरह नाम दे देना है, और इधर से इसको आपने इधर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसका नाम इधर से चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं इसका आप नाम दे दें, प्रोजेक्ट की फाइल का माय प्रोजेक्ट सिविल 3D, और इधर से इसी तरीके से इसके बाद आपने इधर आ जाना है एक्सपोर्ट टू फाइल टाइप। आप ये देख रहे हैं साइड के ऊपर इधर आपके पास ऑटो कैड सिलेक्ट हुआ हुआ है, ऑटो कैड और माइक्रो स्टेशन DNG फाइल दोनों में ये कन्वर्टर इधर से आपको कर देगा। तो आपने ऑटो कैड की बनानी है तो आपने ऑटो कैड इधर से सिलेक्ट कर देना है, और इधर से आपने इधर आना है और बैंड बाइंड एंड इंसर्ट को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी सेटिंग इधर से कम्प्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने इधर से इसको क्लिक करना है प्लस वाले साइन को, इधर से दोनों लेआउट्स इसकी ऑफ कर देनी है, सिर्फ मॉडल हमारा इधर से उसके अंदर सेलेक्ट होएगा। तो इधर से आपने इसको कर देना है, और इधर से आपने इसी तरीके से नीचे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, और आपकी ड्राइंग को जो सा फोल्डर आपने उधर सेलेक्ट किया है उसके ऊपर ये कन्वर्ट कर देगा। मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब में अगर नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना। तो ये थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, आपने इसका वेट करना है। तो इसी प्रोसेस के साथ आप अपनी कोई भी ड्राइंग, किसी भी किस्म की हैवी से हैवी ड्राइंग है वो आप अपनी इम्पोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आपका इम्पोर्टिंग में टाइम लगाएगा, 20 सेकेंड 25 सेकेंड, तो आपने इसका वेट करना है। तो ये आपकी ड्राइंग अभी तो भी आप देख रहे हैं कि ये फाइल इधर से कम्प्लीट एक्सपोर्ट होगी सारी, आपने इधर से इसको ओके कर देना है, और इसको इधर से आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने जिधर हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है आपने उधर आ जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, और इधर से हमने प्रोजेक्ट बनाया था इसका सिविल 3D प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर ये डिस्टेंस एलिवेशन मॉडल आ रहा है। तो ये हमारे पास इधर पहली पुरानी ड्राइंग इधर ओपन हुई हुई है, मैं इसको इधर से इसी तरीके से ओपन रहने देता हूँ, और इधर से ताकि दूसरी विंडो के ऊपर ये ओपन हो जाए। तो मैं इधर से इसको डबल क्लिक करूँगा, तो ये अभी आप देखेंगे ऑटो कैड के ऊपर ये मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरे क्रॉस सेक्शंस वगैरह बने हुए हैं सारा कुछ, ये कंप्लीट उसी तरीके से इधर एक्सपोर्ट हो गया पूरा ऑटो कैड के अंदर। अभी आप इसके अंदर से इसको जिसको भेजना चाहते हैं फाइल, जो जो से प्रोजेक्ट है, जो से भी चीज़ है, कम्प्लीट ये प्रोजेक्ट हमारा उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारे पास सिविल 3D के अंदर ओपन हो रहा था प्रोजेक्ट, उसी तरीके से ये हमारे पास प्रोजेक्ट अभी ऑटो कैड के ऊपर ये पूरी ड्राइंग्स वगैरह ओपन होंगी। तो आप इसको इधर से सेव कर लें, और सेव करने के बाद जिसको व्हाट्सअप करना है या जिसको भेजनी है USB वगैरह में देना है प्रोजेक्ट आपने, तो आप इसका प्रोजेक्ट दे सकते हैं। उसके पास अगर सिविल 3D वगैरह नहीं है तो उसके अंदर वो ओपन नहीं करता, तो ऑटो कैड के अंदर वो इजीली ओपन करके इस प्रोजेक्ट का प्रिंट वगैरह निकाल सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है। अल्लाह हाफिज़।